प्रिमिक्स के आज हम एगलेस चॉकलेट केक बनाएंगे। सारे मेजरमेंट के साथ डिटेल में मैंने आपको ये चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना सिखाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। केक को मैंने स्क्रैच से बनाया है, ये एगलेस केक है और इसे मैं कट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट बना है। कितनी अच्छी जालियां भी हैं केक पर और मुंह में रखते ही ये घुल जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, जब आप इस केक को बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना सिखाया है। फिर आप चाहें तो इसी केक के स्पॉन्ज को लेयरिंग करके आप आइसिंग भी कर सकते हैं। इस केक का वेट कितना है मैंने मेजर करके भी दिखाया है और कितने इंच के केक टिन में मैंने इसे बेक किया है और बाकी केक्स के लिए क्या केक टिन का साइज परफेक्ट रहेगा मैंने सब कुछ आपको बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये यमी सा केक बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 180 डिग्री पर लोअर रॉड ऑन करके 10 मिनट्स के लिए ओटीजी को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और आप चाहें तो आप कुकर या कढ़ाई को भी रख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप रूम टेम्परेचर वाला मिल्क और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर। दूध में विनेगर ऐड करने से दूध फट जाएगा और दही बन जाएगा। आप चाहें तो आप दूध या विनेगर की जगह आप आधा कप नॉर्मल दही भी यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में उस तरीके का यूज करके भी मैं आपको एक और स्पॉन्ज बना के दिखाने वाली हूँ। तो ये घर में जो हम शक्कर यूज करते हैं ना, उसी को मैंने पाउडर शुगर बना लिया है। यहाँ पर देखिए आप, जो हमने विनेगर ऐड किया था उसकी वजह से यहाँ पर ये जो मिल्क है वो फटने लग गया है। तब तक अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर रख लेते हैं। इसके लिए आप मैदा ऐसे पैकेट वाला ही यूज करें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप 200 ml वाला ये मेरा कप है, आपके पास हो सकता है 250 ml वाला हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर मैंने 1 कप मैदा नहीं लिया है, थोड़ा सा खाली रखा है। अभी मैं यहाँ पर कोकोआ पाउडर यूज कर रही हूँ मोहन इम्पैक्ट्स का। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच कोकोआ पाउडर ऐड कर रही हूँ कप में, ताकि जो हमारा कप है वो 1 कप फुल हो जाएगा। पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैदा ऐड किया है और उसको लेबल किया है, तो हमारा 1 कप रेडी है। इसे हम डाल देंगे छन्नी में। अभी मैं इसमें आहिम का बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और आप जो स्पून यूज कर रहे हैं ना, उसको आपको लेबल कर लेना है, फिर उसके बाद ही ऐड करना है। सेम क्वांटिटी में 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग सोडा, उसे भी आप लेबल कर लें, उसके बाद ऐड करें। फिर इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर आपके पास अमूल, नेस्ले, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर होगा तो इसमें हम 1/2 कप वो भी ऐड करेंगे। तो आपके पास यदि मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट यदि आप ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, आप इन्हें अच्छे से छान लीजिए और ये जो कोकोआ पाउडर के आपको ये जो थोड़े थोड़े से ग्लम्स दिख रहे हैं ना, तो इस तरह से चम्मच से लाते हुए आपको बढ़िया से इसे भी छान देना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये सारा मेजरमेंट मैंने मेजरिंग कप और स्पून से लिया है। यदि आपके पास नहीं है तो आप घर की कोई सी भी एक कटोरी सेट कर दीजिए और उसी से आप 1 कप और 1/2 कप का मेजरमेंट लीजिए। स्पून का मेजरमेंट आप घर के खाने वाली चम्मच से यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, ऐसे लेकर। हमने जो मिल्क में विनेगर डाल के रखा था वो फट चुका है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप से थोड़ा सा कम रिफाइंड ऑयल और 1/2 कप पाउडर शुगर। आपको इसको एकदम बढ़िया से मिक्स करना है। यदि आप विनेगर यूज नहीं करना चाहते तो इसी स्टेज पर आप क्या करोगे, आधा कप लोगे नॉर्मल दही, उसमें ऐड करोगे चीनी और ऑयल और फिर आप मिक्स करोगे। आप चाहो तो ऑयल की जगह बटर भी यूज कर सकते हो या फिर बटर और ऑयल 1/2 यूज कर सकते हो। और यदि आप ऑयल यूज कर रहे हो तो वही ऑयल यूज करना जिसमें फ्लेवर ना हो, स्मेल ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज किया है, ऐसा नहीं कि आपने सरसों का तेल डाल दिया आपका केक नहीं कढ़ी बन जाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखना, सुनना, उसके बाद बनाने जाना। देखो, जो हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स लिए थे ना, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने। ऐसा नहीं कि ऑयल अलग दिख रहा है, मिल्क अलग दिख रहा है, सब एक बराबर दिख रहा था। फिर उसमें मैंने धीरे धीरे ऐड करके हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और उसको फिर मिक्स किया। यहाँ पर भी ध्यान रखना, क्लॉकवाइज मिक्स करना, एंटी क्लॉकवाइज मिक्स मत करना, वरना आपका केक जो है वो परफेक्ट राइज नहीं होगा। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मिल्क और ऐड कर दिया था, आप 2 टेबल स्पून भी करोगे तो चलेगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, हमें वो परफेक्ट करनी थी। आपका बैटर एकदम रेडी है, अभी आपको तुरंत इसे केक टिन में डालना है और बेक होने के लिए रख देना है। अभी इसमें मैंने डाल दिए है कुछ चोको चिप्स, और ये जो प्रोसेस अभी मैं आपको केक टिन के लिए दिखा रही हूँ ना, ये मैंने पहले कर दी थी, ठीक है। मैं दिखा आपको अभी रही हूँ,
मैंने बैटर बनाने के पहले ही केक टिन अपना रेडी कर लिया था। आपको भी बैटर बनाने से पहले केक टिन एकदम रेडी करके रखना है। अवन या कढ़ाई, कुकर, जिसमें भी आप पका रहे हो केक, उसको प्री हीट करके रखना है, फिर आपको बैटर बनाना है। इस केक को बेक करने के लिए मैं 7 इंच का केक टिन ले रही हूँ, जिसको ना ही मैंने ऑयल बटर से ग्रीस किया है, ना ही मैदे से डस्ट किया है, कुछ भी नहीं किया है। बस मेरे पास ये ऑडी इको बेक पेपर ट्रे है, जिसको आप बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए और स्टीमिंग के लिए, सबके लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसे मैंने सीधा अपने केक टिन में ही प्लेस कर दिया है और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे अच्छी चीज, आपका केक टिन गंदा नहीं होगा। दूसरी बात, आपका जो केक है वो इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। और तीसरी बात, आप इसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। आप इस पेपर ट्रे को ना फ्राइंग पैन में, अवन में, माइक्रोवेव में, एयर फ्रायर में, स्टीमर में, हर जगह पर यूज कर सकते हो। पिज्जा बेक कर सकते हो। मल्टीपल यूजेस है इसके। ऑयल बटर से आपको कुछ भी ग्रीस नहीं करना है, इसको आपका कोई भी चीज इसमें नहीं चिपकेगा। तो देखिए, अभी मैंने सारा बैटर डाल दिया है, ऊपर से लेबल कर दिया है। 4-5 बार टैप टैप कर देना ताकि एयर बबल्स निकल जाएंगे और आपका केक अंदर से भी एकदम परफेक्ट रहेगा। वरना एयर बबल्स रहते हैं ना, तो फिर आपके केक में अंदर जो रहते हैं ना, कट करने के बाद वो आपको बड़े बड़े गड्ढे से दिखेंगे। अभी आप यहाँ पर सेटिंग देखो, 180 डिग्री है, लोअर रॉड ऑन किया है और 30 मिनट का टाइमर सेट किया है। सिर्फ लोअर रॉड ही ऑन करना है। यदि अपर रॉड भी ऑन कर दोगे तो केक ऊपर से जल्दी बेक हो जाएगा और अंदर फिर आपका कच्चा रह जाएगा। जो आपका टॉप लेयर है ना, वो जल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ लोअर रॉड ऑन करके ही बेकिंग करनी है। 30 मिनट्स में परफेक्ट केक बेक हो गया है। यदि आप कुकर, कढ़ाई, गंजी, पतीले किसी में भी बेक करते हो तो हो सकता है वहां पर आपको 45-50 मिनट्स भी लग सकते हैं। को रख दिया मैंने साइड में ठंडा होने के लिए और यहाँ पर मैंने ले लिया है आह्यम की प्रीमियम डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इतनी भी सारी चीजें मैंने यूज की है ना, चॉकलेट हो गया, कोकोआ पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, ऑडी इको बेक पेपर ट्रे हो गया, केक टिन हो गया, सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। तो यदि आपको कोई भी चीज परचेज करना हो ना, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट को रफली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पोरिंग अनास बनाना है चॉकलेट स्पॉन्ज के ऊपर डालने के लिए। देखो, अब मैंने 50 ग्राम चॉकलेट ली है। देखो, अभी मैंने यहाँ पर बर्तन रखा, उसका वेट आया, मैंने टेयर फंक्शन किया तो वेट हो गया 0। अभी मैं आपको चॉकलेट का वेट दिखा रही हूँ। ये टोटल 43 ग्राम है। मैंने थोड़ा सा चॉकलेट ऐड की तो ये 51 ग्राम के करीब है। पानी बॉइल कर लिया, उसके